कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लगातार दूसरे दिन सेब ले जा रहे ट्रक की ब्रेक फेल होने की वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया है। रविवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सनवारा रेलवे ओवरब्रिज के पास ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित ट्रक एक प्राइवेट बस से जा टकराया और टक्कर के बाद बस और ट्रक दोनों ही सड़क पर पलट गए। करीब 12:15 पर हुए इस भयानक हादसे में बस में सवार करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर पहुंचाया गया। वहीं कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन और ईएसआई अस्पताल परवाणु रेफर किया गया है। प्रदेश में जारी भारी बारिश के दौर के बीच जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और ऐसे में कालका शिमला हाईवे पर भी सफर करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने चालकों को वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की हिदायत दी है और लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही आप सफर करें।